मैनहट्टन में फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 घंटे तक इस मामले में विचार विमर्श किया गया और फैसले में ये बात सामने आई कि ट्रंप पर बलात्कार का आरोप तो नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन दूसरी शिकायतें सही पाई गई। इस ज्यूरी में 6 मेल और 3 फीमेल जज मौजूद थे। 9 मई को देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के एक पत्रकार का यौन शोषण और मानहानि करने के लिए उत्तरदायी पाया गया और उनको हर्जाने में $5 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया। ये पहली बार है जब ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में फैसला सुनाया गया। उन पर मामले तो दर्जन भर से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ यही इकलौता मामला है जिसमें उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन क्योंकि बलात्कार के आरोप खारिज हो गए तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिकी जर्नलिस्ट और राइटर ई जीन कैरोल अब खुद 89 साल की हैं। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति ने मैनहट्टन के लग्जरी बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर में उनसे बलात्कार किया। कैरोल के मुताबिक ये मामला 1996 का है जब ट्रंप ने चेजिंग रूम में उनके साथ दुष्कर्म किया। कैरोल के मुताबिक दशकों तक उन्होंने अपने 2 मित्रों को छोड़कर किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप उनसे इसका बदला लेंगे और उन्हें लगा था कि ये मेरी गलती है। कैरोल ने कहा कि उन्हें भी ये डर था कि उनके साथ जो हुआ उसके लिए लोग उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मीटू मुहिम के बाद आप बीती लोगों को बताने का फैसला किया। कैरोल ने अक्टूबर 2022 में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि 90 के दशक में ट्रंप ने उनके साथ दुष्कर्म किया। वही ट्रंप ने इसे बनाई गई कहानी करार दिया और दुष्कर्म के आरोपों से इनकार किया। ट्रंप के खिलाफ 2 अन्य महिलाओं ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जिनमें पीपल मैगजीन की पूर्व रिपोर्टर नताशा स्टेनॉफ का नाम शामिल है। नताशा का आरोप है कि ट्रंप ने 2005 में अपने फ्लोरिडा स्थित मारे लोगो क्लब में उनके साथ बदतमीजी की। वही ट्रंप पर आरोप लगाने वाली दूसरी महिला जेसिका लीड्स ने भी आरोप लगाए कि साल 1989 में ट्रंप ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। ट्रंप को लेकर ज्यूरी ने एक और दलील दी। 6 पुरुषों और 3 महिलाओं वाली संघीय ज्यूरी ने ट्रंप को कैरोल को बदनाम करने के लिए जवाबदेह ठहराया। ट्रंप ने अक्टूबर में अपनी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर एक बयान पोस्ट किया था जिसमें कैरोल के मामले को पूरी तरह से धोखाधड़ी, छल और झूठ कहा। ज्यूरी ने पाया कि कैरोल ने साबित कर दिया कि ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया, लेकिन रेप का आरोप खारिज किया। कोर्ट के फैसले के बाद कैरोल के वकील ने कहा, ये जुडिशरी की जीत है और ये साबित करता है कि आप भले ही यूएसए के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान है। वही ट्रंप ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये फैसला एक अपमान है, अब तक की सबसे बड़ी विच हंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन कैरोल का जिक्र करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये महिला आखिर है कौन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।